हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की बुक वसुधा भाग 6 का पार्ट 9 सर्वनाम पेज नंबर 66 निकाल लीजिए और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड कीजिए। बच्चों, हमने पहले सर्वनाम और उसके भेदों पर चर्चा की थी। आज हम सर्वनाम के कारकीय रूपों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं आपकी बुक के पेज नंबर 66 पर। बच्चों, सर्वनाम शब्द विकारी शब्द होते हैं। विकारी यानी जिन शब्दों में वचन और कारक के अनुसार बदलाव आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के कारकीय रूपों के बारे में जानते हैं। बच्चों, हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला, मैं, हम। दूसरा, मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला, तू, तुम, आप। तीसरा, अन्य पुरुष यानी अन्य व्यक्ति, यह, वह, ये, वे आदि। ये सभी सर्वनाम शब्द वचन के अनुसार अपना रूप बदलते हैं। जैसे मैं यहाँ सिंगुलर शब्द के रूप में आया है, तो मैं के अन्य रूप देखिए, मैंने, मुझे, मुझको, मेरा आदि। इसी तरह मैं का प्लूरल रूप होगा हम, तो हम के अन्य रूप देखिए, हमने, हमें, हमको, हमसे आदि। तू सर्वनाम के अन्य रूप देखिए, तूने, तुझे, तुझको, तेरा। तुम, तुमसे शब्द देखिए, तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे। इसी तरह आप से बनने वाले शब्द, आपने, आपको, आपसे, आपका। इसी तरह वह भी सिंगुलर शब्द है, तो वह के रूप देखिए, उसने, उसे, उसको। वह का प्लूरल होगा वे। इसके शब्द देखिए, उन्होंने, उन्हें, उनको। तो आपने देखा कि सभी सर्वनाम शब्दों के रूप उनके वचन के अनुसार बदल रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें यह, वह, ये, वे आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। यह और वह एक वचन रूप में प्रयोग किए जाते हैं और ये और वे इसके बहुवचन रूप हैं। यह के शब्द देखिए, इसने, इसे, इसको। ये से बने बहुवचन रूप देखिए, इन्होंने, इन्हें, इनको, इनसे। वह और वे पुरुषवाचक सर्वनाम के वह और वे रूपों की भांति ही प्रयोग किए जाएंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें कोई, कुछ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। कोई शब्द यदि एक वचन के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो इसके रूप बनेंगे किसी ने, किसी को, किसी से आदि। देखिए, इनके साथ कारक चिन्हों का भी प्रयोग हो रहा है, जैसे ने, को, से। यदि कोई शब्द बहुवचन के रूप में है, तो इसके शब्द बनेंगे किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं से। और इनके साथ भी देखिए कारक चिन्ह लगे हुए हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें कौन, क्या आदि शब्दों का प्रयोग होता है। कौन शब्द यदि एक वचन के रूप में आ रहा है, तो इसके रूप बनेंगे किसने, किसे, किसको। यदि कौन शब्द बहुवचन के रूप में है, तो इसके रूप बनेंगे किन्होंने, किन्हें, किनको। साथ ही कारक चिन्हों का भी प्रयोग होगा। संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें जैसी, वैसी, जो, सो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के रूप में यदि जो शब्द एकवचन के रूप में है, तो उससे शब्द बनेंगे
जिसने, जिसे, जिसको आदि। यदि जो शब्द बहुवचन के रूप में आ रहा है तो इसके रूप देखिए, जिन्होंने, जिन्हें, जिनको आदि, साथ ही कारक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, हमने सर्वनाम के कार्य के रूपों के बारे में जाना। अब आपने पेज नंबर 67 और 68 पर दी गई हेडिंग आओ दोहराएं की सभी लाइंस को पढ़ना है। ये लाइंस पूरे चैप्टर का निष्कर्ष होता है। अब चलते हैं अभ्यास पर, यानी सर्वनाम लेसन की बैक एक्सरसाइज पर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों के नाम लिखिए। निश्चयवाचक तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में सर्वनाम और उसके सभी भेदों के बारे में विस्तार से जाना था, तो आपने वहीं से इन प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करने हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों को उनके उचित सर्वनाम भेद से मिलाइए। बच्चों, एक तरफ आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ सर्वनाम के भेदों के नाम, तो आपने इन वाक्यों को पढ़कर उसमें से सर्वनाम शब्द छांटना है, फिर उस शब्द को अंडरलाइन करना है और उसकी सर्वनाम के भेद से मैचिंग करनी है। और ये मैचिंग आप नंबरिंग डालकर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अपने आप खड़ा हो गया, तो बच्चों इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम शब्द है? वेरी गुड, अपने आप। और अपने आप शब्द किसका उदाहरण है? गुड, निजवाचक सर्वनाम का। तो इसी तरह अगले वाक्यों को पढ़ते जाइए और पहले समझाए वाक्य की तरह सॉल्व कीजिए। प्रश्न नंबर 3, कोष्ठक में दिए सर्वनामों में से उचित सर्वनाम छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक मीन्स ब्रैकेट, रिक्त स्थान मीन्स फिलप्स। बच्चों, इन फिलप्स के सामने आपको दो दो सर्वनाम शब्द फिल करने के लिए दिए गए हैं। आपने पहले वाक्य पढ़कर सही शब्द को फिल करना है। जैसे, पिताजी को डैश बुला रहा है कोई या कुछ। पिताजी को कुछ बुला रहा है, क्या ये वाक्य सही लग रहा है? नहीं, पिताजी को कोई बुला रहा है, यह वाक्य सही है। इसी तरह आपने अन्य वाक्यों के फिलप्स में भी सही शब्द भरकर अपनी सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। बच्चों, जैसा हमने प्रश्न नंबर 2 की मैचिंग को सॉल्व किया था, ठीक उसी तरह इस प्रश्न को भी सॉल्व करना है। पहले सर्वनाम शब्द को छांटकर अंडरलाइन कीजिए, फिर उसके सामने उसके भेद का नाम लिखिए। पहला वाक्य, यह मेरा घर है। यहाँ यह शब्द निश्चित स्थान की ओर इशारा कर रहा है, तो यह सर्वनाम शब्द कौन सा भेद होगा? वेरी गुड, निश्चयवाचक सर्वनाम का। तो अगले वाक्यों को भी पढ़ते जाइए और इसी तरह सॉल्व कीजिए। प्रश्न नंबर 5, सर्वनाम के कार्य के रूपों से वाक्य बनाइए। बच्चों, इन दिए गए शब्दों से आपने वाक्य बनाने हैं। जैसे, तुमने, अब मैंने वाक्य बनाया, तुमने तो कमाल कर दिया। तो आपने अगले शब्दों की मदद से खुद वाक्य बनाने हैं। प्रश्न नंबर 6, वाक्यों में सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों को ढूंढकर उनके शुद्ध रूप द्वारा वाक्य दोबारा लिखिए। अशुद्धियाँ मीन्स मिस्टेक्स, शुद्ध रूप मीन्स सही रूप। बच्चों, इन वाक्यों में कुछ गलत सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है।
आपने उन शब्दों को ढूंढकर सही सर्वनाम शब्द लगाकर वाक्य दोबारा लिखना है, जैसे तुम तुम्हारा काम पूरा कर लो। यदि मैं आपसे कहूं कि तुम तुम्हारा काम पूरा कर लो, तो ये वाक्य सुनने में अजीब सा लगेगा। अगर यदि मैं कहूं कि तुम अपना काम पूरा कर लो, तो यह वाक्य सुनने में सही लग रहा है। तो हम तुम्हारा शब्द की जगह अपना शब्द लगाकर पूरा वाक्य फिर से लिखेंगे। इसी तरह अगले वाक्यों को शुद्ध करके सुंदर सुंदर लिखते जाइए। अगला प्रश्न सोचो और करो। निम्नलिखित सर्वनामों के अन्य कार के रूप लिखिए। बच्चों, आपने इस एक्सरसाइज को पेज नंबर 66 और 67 की मदद से सॉल्व करना है। प्यारे बच्चों, आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आपने इस पूरे चैप्टर की अच्छे से दो बार दोहराई करनी है। टिल देन, गुड बाय।